नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम की बहाली के बाद पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों के बढ़ते हौसलों पर खसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन सूरत हाल पर मबनी अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तान में एहतजाज। नाबीना बेरोजगारों ने रिजर्व सरकारी नौकरियों के लिए लाहौर में फिर उठाई आवाज। और आईएसआई के चीफ फैज हमीद को कोर कमांडर बनाने पर कोर्ट पहुंची मरियम नवाज। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान की इकतसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की बहाली को लेकर शिद्दत पसंद तंजीमों के बढ़ते हौसलों का। यह सच्चाई जमियत उलमा इस्लाम की जानिब से कराची में अमरीका के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान दहशतगर्दी के इल्जाम में अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की गई। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अफगानिस्तान में तालिबान निजाम की बहाली के बाद पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमें बेहद हौसला अफजा नजर आ रही हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची में अमरीका मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। खास बात ये रही कि अमरीका मुखालिफ के ये एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीम जमियत उलेमा इस्लाम के बैनर तले किए गए और कराची में सरापा एहतजाज शिद्दत पसंद लीडरों और सियासी कारकुनों ने आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से रिश्तों के इल्जाम में अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग की। इस वक्त जिस तरह ये मजमा नजर आ रहा है, ये चंद बंदे यहाँ आए हैं, पूरी कौम की ये आवाज़ है कि जब ये जंग अमेरिका और तालिबान के दरमियान शुरू हुई तो अमेरिका ने तालिबान को दहशतगर्द कहा, लेकिन 20 साल मुसलसल दुनिया भर के इत्तेहादियों को मिलाकर भी वो शिकस्त खाकर चला गया। तालिबान जिनको उसने उठा उठा कर क्यूबा में बंद किया था उन्हें भी उसने छोड़ दिया है। आज वो अफगानिस्तान में वज़रा है, उनकी हुकूमत कायम हुई है। आखिर पाकिस्तान की एक खातून का क्या कसूर था कि उसको अभी तक बंद करके रखा हुआ है। इस मजमे का भी ये मुतालबा, पूरी कौम का ये मुतालबा है कि एक खातून को जो इंसानी हकूक के नारे लगाने के आलमबरदार कहलाने वाले, उन्होंने इस एक खातून पर इतना जुल्म क्यों किया है। अमरीका में जेरे कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तान की शिद्दत पसंदाना तंजीमें गुज़िश्ता कई बरसों से शदीद एहतजाज कर रही हैं, लेकिन अमरीका इमदाद पर मुनहसर रहने वाली पाकिस्तानी हुकूमतें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग करने वाले मुजाहिरीन को खामोश करने के लिए तानाशाही हरबे अख्तियार करती रहीं। यहां तक कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की छोटी बहन डॉक्टर फौजिया तक अमरीकी जेल में अपना बड़ी बहन के साथ गैर इंसानी सलूक होने पर पाकिस्तानी हुक्मरानों को भला बुरा सुना दी रहीं। अफगान जंग खत्म हो गई, अमरीकी फौजी वापस चले गए, 5,000 अमरीकी नेटो फौजियों को हमने सेफ एग्जिट दी, लेकिन हमने क्या हासिल किया? हम बार्गेन, हमने इस पोजीशन में हमने क्या हासिल किया? इस बार्गेनिंग चिप को हमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हम डॉक्टर आफिया को वापस क्यों नहीं लाए? रेमंड डेविस चला गया, कर्नल जोसेफ चला गया, अफगान जंग खत्म हो गई, अब डॉक्टर आफिया क्यों अंदर है? पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अलकायदा दहशतगर्द के तौर पर अफगानिस्तान में जुलाई 2008 में एक अमरीकी ऑफिसर पर कातिलाना हमला करने के इल्जाम में अमरीकी कोर्ट ने मुजरिम करार दिया और इस हमले के इल्जाम में सितंबर 2010 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को
85 बरस कैद की सजा सुनाई। इसकी एक वजह यह भी रही कि अमरीका में 9/11 हमलों में मुलविस अहम मुजरिम पाकिस्तानी दहशतगर्द खालिद शेख के रिश्तेदार से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने निकाह किया था। छियासी साल की सेहत के सजा दी गई और अब वो 18 साल गुजार चुकी है। 14 साल जो है वो एक उम्र कैद की सजा होती है, वो खत्म हो गई है। तो अब कोई वजह नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार रखने की। डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका की, दो दिन के लिए यहाँ दौरे पे हैं, उनसे हम मुतालबा पेश करेंगे अपने मेमोरेंडम के जरिए कि चूंकि वो इशू खत्म हो गए हैं, तो दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका जिसको लेकर एक भूचाल बर्पा करके रखा था, गुआंटानामो में बे बनाया था, तालिबान को गिरफ्तार किया था, अब वो तमाम इशूज खत्म हो गए हैं और उन तमाम दहशतगर्दों को रिहा भी कर दिया गया है और दहशतगर्दी के लेबल भी हटा दिए गए हैं। हुकूक इंसानियत के भी खिलाफ वर्जी है। आलमी सतह पर अगर देखा जाए 2000 अमरीकी फौज रह गई थी, उसके लिए सारे बेताब और बेकरार थे, हमारा मुल्क भी बेकरार था और उन फौजियों को उन्होंने वेलकम कहा और उन्होंने बहिफाजत वापस भेजा। लेकिन आखिर इस एक खातून का कौन सा जुर्म था, इतना बड़ा कौन सा जुर्म था? ये सरी हुकूक इंसानियत के खिलाफ वर्जी है और ये न इंसानियत के जुमरे में आता है। एक फिरौनियत कहे तो इसके सिवा हम क्या कहेंगे? मेरे भाई, ये मुतालिबा है कि मजीद इस खातून पर जुल्म न किया जाए और उसे रिहा किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की नायब वजीर खारजा वेंडी शेरमन ने अपने पूरे वफद के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन भारत के बाद इस्लामाबाद पहुंचे इस अमरीकी वफद ने एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान निजाम की बहाली में मशकूक किरदार पर पाकिस्तानी हुकुमरानों को कड़ी फटकार लगाई, दूसरी तरफ अफगानी तालिबान के साथ कतर की राजधानी दोहा में एक बार फिर मुजाकरात किए। इन बाहिमी मुजाकरात के दौरान अमरीकी वफद ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से न सिर्फ साफ साफ इनकार कर दिया बल्कि अफगानी शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने पर संगीन नतीजे भुगतने की सख्त वार्निंग भी दी। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का, जहां नाबीना अफराद के आलमी दिन के मौके पर हुकूमत मुखालिफ धरना दिया गया। खास बात यह रही कि लाहौर में यह एहतजाजी धरना पाकिस्तान के नाबीना अफराद की जानिब से दिया गया। लाहौर में सरापा एहतजाज नाबीना अफराद ने बताया कि उन्होंने बसारत से महरूम होने के बावजूद आला तालीम हासिल की, लेकिन रियासत मदीना के दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत सरकारी कोटे के मुताबिक उन्हें नौकरियां देने में टालमटोल कर रही है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत दुनिया को दिखाने के लिए इंसानी हुकूक की दुहाई देते नहीं थकती, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के इस फरेबी दिखावे की असलियत एहतजाजी धरने के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाजे हो जाती है। एहतजाजी धरने के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के, और लाहौर में पंजाब सूबाई असेंबली के सामने धरने पर बैठे मुजाहिरीन खुसूसी अफराद नाबीना हैं। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत उनके जायज मुतालबात मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। इस धरने की वजह यह है कि जितने भी नाबीना अफराद मुजाहरा कर रहे हैं उनको जॉब चाहिए हुकूमत से, क्योंकि तमाम जो नाबीना अफराद हैं वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी तालीम के मुताबिक उनको जॉब नहीं मिली। पाकिस्तान में इम्तियाजी सुलूक और रियासती जुल्मो जबर के दस्तूर के खिलाफ सरापा एहतजाज नाबीना मुजाहिरीन ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान रियासत मदीना के सब्जबाग तो आए रोज दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुक्मरानी करने वाली इमरान खान की हुकूमत उन्हें माकूल सरकारी नौकरियां देने में टाल मटोल कर रही है, जबकि पाकिस्तान में तालीमी शोबे की बदहाली
और माजूरी की हालत में आला तालीमी डिग्रियां हासिल कर चुके नाबीना अफराद के लिए सरकारी नौकरियों में 3% खुसूसी कोटा मुख्तस है। 2015 से हम मुसलसल धरने दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानों तक जो नहीं रिंगती, वो ऐसे जिस तरह नींद की गोली खा के सो रही है। तो कुछ मेरा ख्याल है कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान साहब को जिन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अब वो वादे कहाँ गए? 3 साल हो गए, कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। तो हमारी पुरजोर अपील है इमरान खान साहब से कि खुदा रहा अपने वादे पूरे करें, नहीं तो किसी तरह से हमारा खात्मा कर दें। पाकिस्तानी हुक्मरानों के फरेबी वायदों और रियासती जुल्मो सितम की वजह से पूरी तरह टूट चुके हैं बिसारत से महरूम नाबीना बेरोजगार, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूरों को हर मोड़ पर नफरत और बेरहमी से दोचार होना पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मौजूद तकरीबन 1.5 लाख नाबीना अफराद अपनी तालीम की बुनियाद पर सरकारी नौकरी के बुनियादी हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से हमारे कुछ ऐसे मुतालबे के जो जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हम जितने फील्ड के पढ़े लिखे उसके मुताबिक हमें नौकरी दी जाए। तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये रियासत मदीना बनेगी। हम पूछना चाहते हैं वो कहाँ गई रियासत मदीना, वो हमें एक सबूत दे दें। और वो कहते थे कि जब आवाम सड़कों पर निकलेगी मैं छोड़ दूंगा हुकूमत। क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने? और महंगाई के बारे में ये भी है कि वो दिन ब दिन महंगाई करते हैं। हमें 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उन्होंने, लेकिन आज तक 1 नौकरी भी नहीं दी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर की सड़कों पर बार बार शदीद एहतजाज कर चुके नाबीना अफराद ने वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के मुसलसल बढ़ते तानाशाही रवैये को बेहद खतरनाक बताया, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को रियासती तशद्दुद के जरिए दबाने की कोशिशें कर रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि जिस मुल्क और मुआशरे में जब माजूरों के साथ जुल्मो जबर बढ़ता है तो वो अनार्की जैसे हालात और खूनी इनकलाब का सबब बनता है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। आईएसआई के साबिक चीफ फैज हमीद पर मरियम नवाज के कोर्ट केस की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में YDA यानी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगें पूरी न किए जाने की वजह से एक बार फिर एहतजाजी हड़ताल का रास्ता इख्तियार कर लिया है। हालांकि बलूचिस्तान के यंग यानी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अभी OPD सर्विसेज में ही काम बंद किया गया, लेकिन बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जारी हड़ताल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने माजी की तरह उनके साथ फरेब किया तो वो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। पाकिस्तान में खस्ताहाल मईशत से 2-4 इमरान खान की हुकूमत ने एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 अक्टूबर से पाकिस्तान में पेट्रोल 10.49 रुपए फी लीटर महंगा किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 138 रुपए फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। बेरोजगारी और महंगाई के सताए गरीब आवाम ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों पर कहा कि रियासत मदीना के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत को गरीबों को मिटाने के लिए लाया गया है। पाकिस्तान में ओपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर जाकर खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से मुश्तरका तौर पर खिताब के दौरान पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज इमरान खान की हुकूमत को तमाम मसाइल की जड़ बताया। इस मौके पर दोनों सियासी रहनुमाओं ने कहा कि अगर पाकिस्तान में अब भी फ्री एंड फेयर मिड टर्म इलेक्शंस नहीं कराए गए तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी से बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में 14 साल की घरेलू मुलाजिमा को जिंसी ज्यादती का शिकार बनाने के बाद हलाक किए जाने का सनसनीखेज वाकया सामने आया। इंसानियत सोच बात यह रही कि मकतूला घरेलू मुलाजिमा को उसके मालिक ने हवस का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा। ताहम मकान मालिकान की जानिब से घरेलू मुलाजिमा की मौत को खुदकुशी का रंग देने की पुरजोर कोशिशें की गईं, लेकिन मकतूला के वालदेन की शिकायत पर पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला से जिंसी ज्यादती की तस्दीक होने पर पुलिस ने मकान मालिक कासिम और उसके दोस्त फैसल को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में हुकूमती घोटालों के दस्तूर और साबिका हुक्मरान जमातों के एहतसाब की रट लगाने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने खुद को महफूज रखने के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इमरान खान हुकूमत ने एक तरफ अपने चहेते नैब के मौजूदा चीफ जावेद इकबाल की रिटायरमेंट से कबल नए चीफ की तैनाती होने तक तौसी दे दी है। दूसरी तरफ अपनी वफाकी और सूबाई काबीना हुकूमतों के फैसलों में नैब की मुदाखलत खत्म करके उसे खुद मुख्तारी से महरूम कर दिया है। पाकिस्तान की ओपोजिशन जमातों ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को हुकूमती करप्शन छुपाने का हरबा बताते हुए पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के कराची शहर समेत पूरे सिंध सूबे में इमरान खान की हुकूमत ने सीएनजी और रसोई गैस की सप्लाई बंद कर दी है। लिहाजा कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बेशतर सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हैं और सीएनजी स्टेशन पर गैस न मिलने की वजह से मकामी बाशिंदों खुसूसन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने गरीबों की रोजी रोटी तक छीन ली है। सिंध के वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू और कुदरती गैस देने वाले सिंध सूबे के लोगों से सियासी इंतकाम ले रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल की तकरीरों में किए गए फेरबदल पर मची सियासी हंगामा आराई का। इस हंगामा आराई की सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पेशावर में कोर कमांडर बनाना, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट में दरखास्त दायर करके कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कठपुतली वजीर आजम इमरान खान अपने चहेते खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तरक्की देकर पेशावर कोर की कमान सौंप चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के मौजूदा चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अगले बरस नवंबर 2022 में रिटायर्ड होने वाले हैं। लिहाजा आईएसआई के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नया आर्मी चीफ बनाने के लिए कोर को कमांड करने का तजुर्बा हासिल करना लाजमी होता है, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पनामा लीक्स मामले में दोनों को सजा दिलवाने के लिए आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कसूरवार ठहराते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। मेरी पिटीशन में हर चीज सामने आ चुकी है और उसका सही होने का सबूत यह है कि जब ये इल्जामात जनरल फैज हमीद साहब पर लगे, वो डीजीसी थे और इल्जामात लगाने वाले जो हजरत थे वो सिटिंग हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी थे, और जिस शख्स के बारे में वो इल्जामात लगे वो शख्स इस पाकिस्तान का 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम था और इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का आज भी सरबराह है। तो ये कोई नॉन सीरियस एलिगेशंस नहीं थे, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया जाता या जिसपे आंखें बंद कर दी जाती। मैं ये समझती हूं कि अगर इन इल्जामात में सच्चाई ना होती तो आज तक न सिर्फ ये कि उसकी तरदीद आ चुकी होती बल्कि पूरी कौम तरदीद को सुन भी लेती, तो तब भी तरदीद नहीं की गई क्योंकि वो बात सच थी। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तरदीद नहीं हो सकी। मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि इस अदालत से जिसके आगे मैंने ये पिटीशन रखी है या ये एप्लीकेशन रखी है मुझे इंसाफ मिलेगा,
और हर इंसाफ जो है वो कहते हैं कि ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर भी आना चाहिए, कौम को नजर आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात की है उस पर वो क्या कहते हैं, और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मेरे खिलाफ ये इल्जाम झूठ हैं, और अगर झूठ होते तो बहुत पहले तरदीद आ चुकी होती, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। सिटिंग डीजीसी पर इल्जाम लगे थे, और अगर ये पहला आपका रिएक्शन क्या होता है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया होता तो आपका रिएक्शन ये होता है कि आप खड़े होकर ये कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, और आप चुप सिर्फ तब करते हैं जब आपके दिल में चोर होता है, जब आपने वो काम किया होता है। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीजें हैं, शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आईन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सवाल कि जब एक फर्द वाहिद जिसका नाम जनरल फैज हमीद है, अगर वो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर जाता है और उसको ये कहता है कि फलां बेंच बनाओ, फलां बेंच ना बनाओ, तो क्या वो इदारे के वकार में इजाफा कर रहा है? जब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होता है, जब वो एक मुंतखब वजीर आजम को साजिश के जरिए इकामा पे निकलवाने की कोशिश करता है, जब वो मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश करता है, जब वो जजेस से बेंच बनवाता है, तोड़वाता है, जब वो ये प्रेशर डालता है और गैर कानूनी काम के लिए जजेस को मजबूर किया जाता है, तो वो इदारे के वकार में इजाफा करता है। जब उसको ये वो तासुर देता है जज को जाके कि उसको पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है, जब आप वर्डिक्ट की अनाउंसमेंट वर्डिक्ट के अनाउंस किए जाने से पहले करते हैं, तो क्या आप इदारे के वकार में इजाफा करते हैं? जब आपको जो इस इदारे ने या कौम ने या आपके मुल्क ने या आईन ने आपको जो ओहदा दिया है, जब आप उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने जो आईनी कानूनी इख्तियारात हैं, जब आप उनसे तजावज करते हैं और आपके जाती मफाद के लिए करते हैं, और आपके किए हुए जो भी आपने इस तरह की ज्यादतियां की हैं, जब उसकी वजह से पूरे इदारे पे उंगली उठाई जाती है, तो क्या आप उस इदारे के वकार में इजाफा करते हैं?